अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल अमल सबके लिए, और मैं लाया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन मुजर्रब अमल जिसका नाम है आमिलीन के लिए ख़ास तोहफ़ा। यानी कि जो लोग दूसरों का इलाज करते हैं या अपने घर परिवार में किसी का इलाज करते हैं और इलाज में जो है कामयाबी नहीं मिलती है, परेशानी होती है, काफ़ी मेहनत करते हैं उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन हज़रात के लिए मेरी तरफ से एक ख़ास तोहफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। यह अमल आमिलीन हज़रात ने अगर कर लिया रब के फजल से, अल्लाह ने चाहा तो उनको किसी भी काम के अंदर नाकामयाबी नहीं मिलेगी, कामयाबी ही मिलेगी, बेहतरीन मुजर्रब अमल है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो लाल कलर का बटन दबा करके हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं कटता है, साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी स्क्रीन पर जो अमल नज़र आ रहा है बहुत ही बेहतरीन मुजर्रब अमल है, आमिलीन के लिए ख़ास तोहफ़ा। आमिलीन के लिए ख़ास तोहफ़ा है, जो आमिलीन लोगों का इलाज करते हैं तो अक्सर उनके मुखालिफिन ज़्यादा हो जाते हैं, इंसान भी और जिन्नात भी। इंसान हसद की बुनियाद पर होते हैं और जिन्नात मरीज़ों से दूर करने पर, तो इसमें अल्लाह की बरकत से आमिलीन की जो है हिफाजत रहेगी, ख़ुद की भी और उनके बीवी बच्चों की भी। और ख़ास बात यह है कि रूहानी कुव्वत बहुत ज़्यादा उनको हासिल होगी और काम के अंदर जो है उनको नाकामयाबी नहीं मिलेगी, हर काम के अंदर जो है उनको कामयाबी मिलेगी। बहुत ही आसान सिंपल है, हर आमिल को मेरी तरफ से जो है पूरी इजाज़त है, जो भी जायज़ मकसद के लिए अमल करते हैं, नाजायज़ मकसद करने वालों के लिए, यानी कि नाजायज़ जो लोग काम करते हैं किसी को फंसाने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए, तो उनको मेरी तरफ से बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। जायज़ मकसद का यानी कि लोगों के भलाई के लिए जो काम करते हैं उनके लिए मेरी तरफ से बिल्कुल पूरी इजाज़त है, आपको जो है इजाज़त लेने की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, जो है मैं आपको पहले पढ़ के सुनाता हूँ, बाद में इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका पूरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसमें अल्लाह आपको पढ़ना है। अमल शुरू करने से पहले दोस्तों, गरीब गुरबा में सदका वगैरह ज़रूर तकसीम कर देना, घर महल्ले के छोटे बच्चों को उनके पसंद की चीज़ें ज़रूर खिला देना। दौरान अमल आपका बावजूद जिसमें लिबास का पाक साफ होना ज़रूरी है। बहरहाल, आमिलीन को समझाने की ज़रूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आमिलीन लोग समझदार रहते हैं। चलिए मैं पहले पढ़कर सुनाता हूँ, इसमें अल्लाह है ना, आपको इसमें अल्लाह की जो है आपको विर्द करने का तरीका ये रहेगा कि आपको हर नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद, जोहर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद, ईशा की नमाज के बाद, यानी कि पांचों नमाज के बाद में जो है आपको अल्लाह 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 आपको जो है 300 मरतबा पढ़ना है। अगर आप इससे ज़्यादा 1000 मरतबा पढ़ लेंगे, इसमें है ना अल्लाह अल्लाह का विर्द 1000 मरतबा हर नमाज के बाद अगर आप कर लेंगे तो रब के फजल से आपके अंदर ऐसी कुव्वत पैदा हो जाएगी कि आप अगर जिन्नात, शैतान या जादू या किसी भी तरह के मरीज़ के ऊपर अगर अपनी निगाह उठा करके भी अगर देख लेंगे तो जिन्नात थर्रा करके, घबरा करके, कांप करके जो है मरीज़ को छोड़ करके जो है भाग जाएगा। आपकी हैबत को जो है वो अपने ऊपर नहीं सकेगा, आप अपनी हैबत को जो है अपने ऊपर जो है वो बर्दाश्त कर नहीं सकेगा, डर के मारे भाग जाएगा, चाहे वो जादू हो चाहे वो जन्नात हो। या आपने जो है अगर किसी मरीज़ को भी जो है आपने कोई भी अमल आपका इस अमल के बाद में, कोई भी अमल पढ़ने के बाद में जो है आपने मरीज़ को अगर दे दिया तो रब के फजल से जो है उसको नाउमीदी नहीं होगी, अल्लाह के कलाम की बरकत से जो है ज़रूर उसको शिफा हासिल होगी, क्योंकि इस अमल की बरकत से जो है आमिल के अंदर एक रूहानी कुव्वत, रूहानी ताकत जो है पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से जो है लोगों को जो है काम करने में आसानी हो जाती है। और ख़ास वजह यह है कि जो हासिदों की जो ज़ुबान बदगोई चलती रहती है, हासिदों की ज़ुबान भी बंद हो जाएगी, चाहे वो जन्नात में हो चाहे वो इंसानों में हो, वो परेशान नहीं करेंगे, बीवी बच्चों की भी हिफाजत रहेगी। यानी कि इस अमल की बरकत से जो है आमिल के लिए हर तरह की हिफाजत है ना, शैतान की तरफ से हिफाजत, जन्नात की तरफ से हिफाजत, जादू की तरफ से हिफाजत, हर तरह से जो है हिफाजत हो जाएगी, क्योंकि इस इस्म का विर्द करने वाला कभी मायूस नहीं होगा। आमिलीन के लिए ख़ास तोहफा, और आपसे मेरी गुजारिश है कि आप हमारे लिए दुआ करें ताकि हम जो है आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आई है तो हमारे नए आने वाले मेहमानों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को लाल कलर का बटन दबा करके जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद वाले आइकन यानी कि घंटे का बटन जरूर दबा दें। हमारी जो मेहनत का फल है वो आपके लाइक के बटन पर दबाना है। सवाब की नियत से इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कर देना, हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए। अगर आप हमको किसी कीमती मशवरे से अगर आगाह करना चाहते हैं या आप अगर किसी अमल की अगर रिक्वेस्ट अगर करना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर हमें ज़रूर लिख करके बताएँ। हम दुआ करते हैं कि आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, अल्लाह ताला आपके और आपके परिवार की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।